हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आधी रात का वक्त हो चला था। आसमान बादलों से घिरा हुआ था और तूफानी हवाएं चल रही थी, रह कर बिजली कड़क रही थी। ऐसी रात में दिल्ली जयपुर हाईवे पर भागती हुई एक कार, जिसमें एक 50 साल के अधेड़ दंपत्ति बैठे हुए थे। पत्नी चारों तरफ बाहर देखती हुई घबरा कर बोली, मैंने आपसे कहा था ना हम कल सुबह निकलेंगे, लेकिन आपको तो अपनी ही जिद माननी होती है। अब देखिए बाहर कैसा मौसम हो गया है, अब हम क्या करेंगे? अरे रेणुका, तुम भी ना बच्चों की तरह डर रही हो। अरे मौसम ही तो खराब हुआ है। आपने सुना नहीं है, ये हाईवे भूतिया हाईवे माना जाता है और रात के इस वक्त यहाँ कई बार लोगों को भूत प्रेत का साया महसूस हुआ है। पवन ने एकदम से गाड़ी के ब्रेक लगाए और घबरा कर रेणुका की तरफ देखते हुए बोला, हाँ रेणुका, तुम सही कह रही हो। मैंने अभी अभी देखा, हमारी गाड़ी के सामने से कोई बड़ी तेजी से गुजरा है, देखो जरा। रेणुका डरते हुए बाहर देखकर बोली, कहाँ कहाँ गुजरा है? और रेणुका के झाड़ पर पवन हंसता हुआ बोला, वही तो मैं कह रहा हूँ, कहाँ है भूत प्रेत का साया, लोग और लोगों की मनगढ़ंत बातें, तुम भी ना। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, अब चलो। और अगर तुम्हें आगे भी डर लग रहा हो तो आगे अगर कोई घर दिखा या होटल मिला तो रुक जाएंगे। तभी बाहर जोरदार बारिश शुरू हो गई और कार खटखट की आवाज करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अब ज्यादा नहीं चलने वाली। पवन चिढ़ते हुए बोला, अब इसी की कमी रह गई थी, पहले ही मौसम खराब है और अब तो गाड़ी चलाने में भी बहुत दिक्कत आ रही है। तभी पवन को पीछे से एक साइकिल वाला दिखा। इतनी रात में इस तरह किसी को साइकिल चलाकर जाता देख पवन हैरानी से बोला, है? यहां तो कार में नहीं चला जा रहा है और ये साइकिल से जा रहा है। लेकिन पवन ने खिड़की खोला और आवाज लगाकर पूछा, अरे भैया सुनो जरा, यहाँ आसपास कोई घर या होटल मिलेगा जहाँ हम रात को रुक सकें? साइकिल वाले ने पवन और उसके बगल में बैठी रेणुका को देखा और अजीब तरीके से मुस्कुराया। उसका चेहरा बिल्कुल ही बर्फ की तरह सफेद लग रहा था और आंखें बहुत ही शांत। उसने हाथ के इशारे से दिखाते हुए बोला, बस कुछ ही दूरी पर एक कॉटेज है, वहां जाकर रुक सकते हो। शुक्रिया भाई, लेकिन तुम मुझे बताओ, इतनी रात में साइकिल से बारिश में कहां जा रहे हो? वैसे भी इतनी रात में हाईवे पर साइकिल से जाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और साइकिल वाला उसी तरह रहस्यमय तरीके से मुस्कुराता हुआ बोला, सुरक्षा का तो क्या है साहब, कौन कब कहां सुरक्षित है कौन जानता है। इतना कहकर साइकिल वाले ने रेणुका की तरफ गौर से देखा और वहां से चला गया। रेणुका पवन से बोली, ये आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसकी बातें कितनी अजीब थी। सुनो, मुझे क्या लगता है, क्यों ना हम गाड़ी में ही रह जाए। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है हा? जब चाहो तुम्हें गाड़ी में रुकना है, कभी ऐसे मौसम में जाना नहीं है, अब चुप करके बैठी रहो। जल्दी पवन को वो कॉटेज दिख गया। पवन ने कॉटेज के बाहर अपनी गाड़ी रोकी। उस कॉटेज के बाहर एक छोटा सा पीले कलर का बल्ब जल रहा था और वो कॉटेज दिखने में बहुत पुराना था। पवन ने रेणुका से कहा, आओ संभल कर उतरो, और दोनों ही भागते हुए कॉटेज के दरवाजे तक चले गए। पवन ने दरवाजा खटखटाकर आवाज लगाई, कोई है? एक दो बार दरवाजा खटखटाने के बाद दरवाजा खुला और सामने एक बुजुर्ग निकला। उसकी उम्र करीब 85-90 साल की होगी। उसने रेणुका और पवन को देखा और बोला, जी क्या चाहिए? अंकल जी, दरअसल हमारी गाड़ी इस बारिश में आगे नहीं बढ़ रही है, मौसम बहुत खराब हो गया है, तो अगर आप हमें कुछ घंटे यहाँ रुकने के लिए जगह दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। और वो बूढ़ा उन दोनों को देख कर मुस्कुराता हुआ बोला, क्यों नहीं। उसने रेणुका और पवन को अंदर बुला लिया। अंदर जाकर भी वो घर वैसे ही पुराना था, आवश्यक जरूरत की चीजें थी। बूढ़े ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, उधर बैठ जाओ। अच्छा, आप यहाँ अकेले रहते हैं? बूढ़ा कोने में पड़ी स्टोव को जलाने की कोशिश करता हुआ बोला, हाँ सालों से मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। तुम लोग भीग गए हो, ठंड लग रही होगी, चाय पियोगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी बूढ़े ने दो कप चाय बनाई
और रेणुका और पवन को देते हुए कहा, इसे अपना ही घर समझो। रेणुका को वो सब बहुत अजीब लग रहा था, फिर भी वो घबराते हुए जैसे ही चाय का पहला घूंट लेने लगी, उसके हाथ से कप छूट गया और वो चिल्लाकर बोली, खून, इसमें खून है। क्या हो गया है रेणुका, कहाँ खून है, चाय है। रेणुका ने देखा कि फर्श पर टूटे हुए कप के साथ चाय बिखरी हुई थी। रेणुका को लगा कि शायद वो बहुत ज्यादा सोच रही है, ऐसा कैसे हो सकता है कप में खून हो। वो बूढ़ा हंसता हुआ बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारे जैसे बहुत लोग हैं जो यहाँ आते हैं और उन्हें ऐसा वहम होता है। दरअसल इस घर का इतिहास ही कुछ ऐसा है। और ये सुनकर रेणुका डरते हुए बोली, इतिहास, कैसा इतिहास। बूढ़ा गहरी सांस लेकर बोला, सालों पहले यहाँ एक पति पत्नी अपने बच्चे के साथ रहा करते थे। एक दिन अचानक आधी रात में तीन लोगों ने उनसे मदद मांगी और रात में रुकने का आश्रय मांगा, उन्होंने दे दिया। इस बात से अनजान कि वो लोग कौन है, वो लोग डकैत थे और डकैती का सामान लेकर आए थे। आधी रात में जब घर का मालिक उठकर बाथरूम की तरफ गया तो उसने देखा बाथरूम में उसके बच्चे की लाश पड़ी हुई थी। वह घबरा कर आया और अपनी बीवी को उठाने लगा तो उसने देखा कि उसकी बीवी कमरे में नहीं है। अपनी बीवी को ढूंढता हुआ जब वह बाहर तक आया तो यही जहां तुम लोग बैठे हो, यही बरामदे में उसकी बीवी की लाश पड़ी हुई थी। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ और उसने पीछे पलट कर देखा तो एक डकैत था। उस आदमी ने पूछा, ये सब क्या है? लेकिन उस घायल डकैत ने घर के मालिक के पेट में चाकू घोंप दिया और घर का मालिक भी वहीं मर गया। डकैतों ने पूरे घर में आग लगा दी ताकि सबूत मिट जाए। उसके बाद ऐसी चीजें कभी कभी हो जाती है, वो लोग यही तो रहते हैं यहीं आसपास। फिर पवन हैरानी से बोला, लेकिन ये घर जला हुआ तो नहीं लग रहा है, और आप यहाँ कैसे रहते हैं? और बदले में बूढ़ा केवल हंस कर रह गया। ये सब सुनकर रेणुका बहुत ज्यादा डर चुकी थी, उसे वहां ठीक नहीं लग रहा था। उसने पवन को वहां से चलने के लिए कहा। उस बूढ़े की बात से पवन भी बहुत ज्यादा घबरा चुका था, इसलिए उसने बुजुर्ग से कहा, जी आपका शुक्रिया, आपने हमें यहाँ रुकने की जगह दी। अब मौसम शायद ठीक हो चुका है, बारिश और बादलों की आवाज भी नहीं आ रही है, अब हमें निकलना चाहिए। बदले में वो बुजुर्ग केवल मुस्कुरा रहा था। पवन ने रेणुका से कहा, दो मिनट रुको, मैं एक बार बाहर देख कर आता हूँ। पवन तुरंत बाहर गया, बाहर मौसम को देख कर बोला, मेरा अंदाजा ठीक है, मौसम सही हो रहा है। इससे पहले वह अजीब बूढ़ा कुछ और अजीब बातें करे, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। पवन वापस घर के भीतर आया, लेकिन उसने जैसे ही घर के भीतर कदम रखा उसके होश उड़ गए, क्योंकि वह घर पहले जैसा तो था नहीं जैसा उसने देखा था। चारों तरफ मकड़ी के जाल लटक रहे थे, भीतर से पूरी तरीके से जला हुआ, और वहां इंसान क्या, इंसान का नामो निशान नहीं था, और ना ही उसे वहां रेणुका नजर आ रही थी। पवन ने आवाज लगाई, रेणुका कहाँ हो तुम, रेणुका। लेकिन रेणुका की कोई आवाज नहीं आई। घर का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया और वहां चारों तरफ अंधेरा फैल गया। पवन को वहां कुछ नहीं दिख रहा था, उसे डर भी लग रहा था, लेकिन रेणुका की चिंता भी हो रही थी। पवन ने तुरंत अपने पॉकेट से लाइटर निकाला और लाइटर को जलाया, उसकी रोशनी में धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। उसे ऊपर की तरफ जाती एक सीढ़ी दिखी और पवन ऊपर की तरफ बढ़ गया। ऊपर जाते ही उसे सामने एक कमरा दिखा जिसमें किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। पवन को हैरानी हुई कि आखिर गुनगुना कौन रहा है, और पवन के कदम अपने आप उस कमरे की तरफ चलने लगे। कमरे में पहुंचकर पवन ने देखा कि सामने रेणुका कमरे में लगे आईने के सामने अपने बाल बना रही है। पवन बोला, रेणुका तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम अभी यहाँ बाल बना रही हो, चलो जल्दी यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं है। पवन की आवाज से रेणुका जैसे ही पीछे पलटी, पवन चीखता हुआ पीछे गिर गया, क्योंकि वो रेणुका नहीं थी,
उसका पूरा चेहरा जगह जगह चाकू के निशान से घायल था और खून निकल रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी और पवन को देखकर हंसती हुई बोली, इससे सुंदर जगह तो कोई भी नहीं है पवन। आओ हम इसी जगह अपनी दुनिया बनाएं। और तुम्हें पता है, यहाँ सिर्फ हम ही नहीं बहुत से लोग रहते हैं। देखो अपने आसपास। रेणुका की अजीब सी आवाज सुनकर पवन ने घबराते हुए चारों तरफ देखा तो उसने पाया कि वहाँ जगह जगह रेणुका की तरह ही घायल और सफेद आंखों वाले लोगों की पूरी फौज खड़ी थी। पवन को समझते देर नहीं लगी कि ये सभी आत्माएं हैं। पवन समझ गया कि रेणुका भी इन्हीं में से एक बन चुकी है और अब पवन को अफसोस हो रहा था कि आखिर वो यहाँ आया ही क्यों था। लेकिन अब उसे खुद को बचाना था, इसलिए पवन उल्टे पैर कमरे में निकला और सीढ़ियों से नीचे उतरकर भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन पवन जितनी सीढ़ियां उतरता उतनी ही सीढ़ियां बढ़ती ही जा रही थी, सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थी। और आखिर में भागते हुए हांफता हुआ पवन वही सीढ़ियों पर बैठ गया और रोता हुआ बोला, आखिर हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम सब हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? और पवन के इतना कहते ही वो सारी आत्माएं एक साथ जोर जोर से हंसने लगे और पवन अपने कान बंद करता हुआ बोला, बस करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और तभी अचानक वो बूढ़ा पवन के सामने आकर खड़ा हो गया। लेकिन इस वक्त वो बूढ़ा कोई सामान्य नहीं था, बल्कि उन्हीं आत्माओं की तरह कटे फटे शरीर के साथ खड़ा था और चीखता हुआ बोला, हमारा क्या कसूर था? हमने क्या बिगाड़ा था जो हम बेमौत मारे गए? इस घर में आने वाला हर शख्स मरेगा, यहाँ से कोई जिंदा नहीं बच पाएगा। अब तुम्हारी बारी। इतना कहकर आत्माओं ने पवन को घेर लिया और पवन की चीख से वो पूरा घर गूंज उठा। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।